वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल जी एस सिविल इन्फो। तो व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हाउ टू कैलकुलेट द कंक्रीट ऑफ मटेरियल सीमेंट सैंड एंड क्रश। मेरी आप सब लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लास्ट तक देखें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको रिसीव होती रहे। तो व्यूवर्स, चलते हैं आज अपने न्यू टॉपिक की तरफ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो हम कंक्रीट कैलकुलेट करेंगे। कंक्रीट कैलकुलेट आज एक रूफ स्लैब की एग्जाम्पल लेंगे। तो आप ये कंक्रीट कैलकुलेट आप बीम की भी कर सकते हैं, आप फाउंडेशन की भी कर सकते हैं, आप किसी भी स्ट्रक्चर पार्ट की कर सकते हैं। तो आप चलते हैं आगे जो हमारा टॉपिक है। तो आपके सामने आपने देखा होगा कि आपके पास एक रूफ स्लैब ड्रा की हुई है। रूफ स्लैब की जो विड्थ है वो भी 10 फीट है, उसकी लेंथ भी 10 फीट है, और इसकी थिकनेस जो है वो 6 इंच है। तो रेशो जो हमारी है वो 1:4 है। आपको पता होगा 1:4 जो है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, 1 for cement, 2 for sand, और 4 जो है वो हमारे पास, थर्ड जो डायमेंशन उसकी रेशो बन रही है वो हमारे पास एग्रीगेट। तो गाइस, इसका जो सम ऑफ रेशो है वो 7 है। तो मेजरमेंट करेंगे इसकी। मेजरमेंट किस तरह है? मेजरमेंट ये है कि 10 फीट बाय 10 फीट बाय 0.5 हमने 6 इंच को फुट को हमने इंच को हमने सॉरी फुट में कन्वर्ट किया। उसके बाद उसका 0.5 आंसर है, उसको हम तीनों को फिर मल्टीप्लाई कर दिया। तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 50 CFT आ रहा है, 50 CFT कंक्रीट वॉल्यूम। यहाँ पर याद रखना आपने, जो 50 CFT वॉल्यूम है वो हमारे पास वेट कंडीशन में है। जब वेट कंडीशन में हमारे पास वॉल्यूम होगा तो उसको हम ड्राई में कन्वर्ट करेंगे। ड्राई में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको कांस्टेंट वैल्यू 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद हो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि 1.54 क्या है। बेसिकली 1.54 जो है कांस्टेंट वैल्यू, मीन्स का आपको सादा लफ्जों में मैं समझाना चाहूँगा कि अगर 100 CFT वेट कंक्रीट है हमारे पास, मिक्सचर सारा 100 CFT का है, तो उसमें से अगर पानी निकाल दें तो वो जो ड्राई वॉल्यूम है ना वो 154 CFT है। 154 CFT के अंदर जब आप पानी डाल देते हैं तो आपके पास 100 CFT रह जाता है सारा वॉल्यूम। तो गाइस आगे चलते हैं, हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम आया वो 77 CFT है। 77 CFT के बाद अब इसमें फर्स्ट जो हमने सीमेंट कैलकुलेट करना है, सीमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 77 × 1 क्या है जो हमारे पास रेशियो है वो सीमेंट की, वो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 7 सम ऑफ रेशियो। रेशियो किसकी, जो हमने ऊपर ड्रॉ की हुई है, सम ऑफ 7 जो है वो, सम ऑफ रेशियो जो है वो 7 उसके साथ डिवाइडेड होगी। उसके बाद उसकी जो इसका जो आंसर आएगा वो 11 है। याद रखिएगा ये जो आंसर है ये आपके पास सीमेंट का वॉल्यूम कंडीशन में आया है, मेजरमेंट में आया है। अब आपने इसको बैग में कन्वर्ट करना है, तो बैग में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास क्या होगा जी, आपके पास बैग का एक वॉल्यूम है 1.25। तो आपने क्या करना है, 11 को 1.25 से जब डिवाइड करना है तो आपके पास बैग की कंडीशन आ जाएगी, 8.8 बैग्स आपके कैलकुलेट होंगे। इसी तरह जी आपके पास आगे सैंड है, सैंड के साथ भी आपने क्या करना जी, कैलकुलेट करने के लिए 77 × 2 हमारे पास, मैंने ऊपर जिक्र कर दिया है कि 2 हमारे पास क्या जी, 2 हमारे पास यहाँ पर रेशो में कन्वर्ट, रेशो में जिक्र किया गया। उसके बाद जी इसको डिवाइड करेंगे 7 पर, और उसके बाद इसका आंसर जो आएगा वो 22 CFT हमारे पास सैंड कैलकुलेटेड थी। इसके साथ ही आगे जो क्रश है, क्रश के लिए 77 उसका ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम करने के बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 पर, क्रश जो हमारे पास 1:4 रेशो है, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ 7। तो सम ऑफ रेशो जो है 7 के साथ जब इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सॉरी, तो उसके बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर हमारे पास 44 CFT कैलकुलेट होगा। तो इन इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर होगा 44 CFT कैलकुलेट होगा। तो ये हमारे पास एक पूरा एक प्रोसीजर था। अब मैं अगर आप कहते हैं तो मैं आपको इसका थंब रूल बताता हूँ। ये आप एक थोड़ा सा लॉन्ग पैटर्न है, लॉन्ग पैटर्न से आप अगर इसको शॉर्ट पैटर्न में जाना चाहेंगे तो हमारे पास थंब रूल क्या है,
तो भी इसका थंब रूल क्या है? इसका थंब रूल ये है कि कोई भी कंक्रीट वॉल्यूम है आपके पास 50 है, 60 है, 70 है या 150 है, तो आपने क्या करना है, सिंपल उसको सीमेंट को 1:4 के आपको रेशो का बताया, अगर आप 100 CFT कैलकुलेट कंक्रीट करते हो तो 17.5 बैग आपके पास सीमेंट, 44 फुट रेत और 88 फुट आपके पास क्रश जो है ना वो कैलकुलेट होती है। आपने क्या करना है, सिंपल उसको आपने कंक्रीट वॉल्यूम को 0.176 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास डायरेक्ट सीमेंट निकलेगा बैग की कंडीशन में। और इसी तरह आप उस कंक्रीट वॉल्यूम को जब आप करेंगे 0.44 से सैंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट क्या आएगा, सैंड निकलेगा CFT में। उसी तरह आपके पास क्रश आएगा, क्रश का भी आप 0.88 कंक्रीट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट क्रश निकलेगी। अब पॉइंटों में क्यों है, इसके बारे में मैं एक छोटा सा नोट मैंने क्रिएट किया है। नोट क्या है जी, अगर आपके पास 100 CFT, वही मैं जिक्र करने लगा हूँ डिटेल में, जो ऊपर मैंने लिखा था 100 CFT आपके पास कंक्रीट हो तो 17.5 बैग सीमेंट लगते हैं, तो 1 CFT के लिए कितने बैग दरकार होंगे, आपने क्या करना है 17.5 यानी 17.6 सॉरी इसको आपने डिवाइड कर देना 100 पर, तो 1 CFT के लिए आपके पास 0.176 जो है वो बैग नंबर ऑफ बैग निकलेगा। तो वही मैंने ऊपर किया है 0.176 से मल्टीप्लाई किया, तो इससे डायरेक्ट नंबर ऑफ बैग्स आपके निकलेंगे। तो गाइज आपको इतना वो शॉर्टली ट्रिक बता रहा हूँ, आपको ये डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले उस वॉल्यूम को निकालो, उस वेट वॉल्यूम को ड्राई में करो, ड्राई में उसके बाद सम ऑफ रेशियो से कन्वर्ट करो, उसके बाद आप उसको जो है ना नंबर ऑफ बैग में कन्वर्ट करो, तो डायरेक्ट आपके पास ये एक ट्रिक आ गया है थंब रूल जिसका, जिसमें आप इसी तरह आपको उसको मल्टीप्लाई करने के बाद आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसी तरह ये आपके पास अगर सीमेंट की रेशो हो 1:8 हो तो आपको पता है 9.8 समथिंग बैग कैलकुलेट हो। तो व्यूअर्स लास्ट में मेरी ये बस रिक्वेस्ट कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करना ना भूलिएगा। तो बहुत शुक्रिया, अगर आप मेरी आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत शुक्रिया।